भीड़ जो नजर आ रही है आप देख सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि अफरा तफरी अचानक से यहां पर उत्पन्न हो गई। मेरे साथ मानस श्रीवास्तव लगातार बने हुए। मानस, लेकिन ये असदुद्दीन अवैसी की तरफ से जो कहा गया है मेरी गाड़ी के टायर पंचर हो गए, दूसरी वाहन से निकला, ये पूरी बात उन्होंने क्या बताई है, खुद उनके मार्फत क्या जानकारी सामने आई है और उनके काफिले में क्या सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी होते हैं? देखिए, ओवैसी की जो काफिला निकलता है उसमें उनकी सिक्योरिटी के लोग भी मौजूद रहते हैं और वो उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर हैं, तो उनके पास सुरक्षा व्यवस्था न केवल उनकी अपनी रहती है बल्कि जिस जिले में जाते हैं वहाँ से भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाता है, उनके साथ सुरक्षा में लगाया जाता है। तो अपने आप में ये बड़े हैरतअंगेज घटना है कि भारी सुरक्षा के बीच कैसे उन पर इस तरीके का हमला हुआ। इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, जांच पड़ताल की जा रही है, उसे देखा जाएगा कि आखिर घटना वास्तविकता में है क्या, और अगर अपने आप में ये घटना वास्तविक है तो बहुत ही हैरतअंगेज घटना है ये, और अपने आप में उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा उबाल लाने वाली घटना है ये, और इस पर हंगामा होना भी तय है और एक तरीके से सरकार पर भी सवाल खड़े होंगे कि आखिर किस तरीके की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, इसको विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना सकता है। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी ये समझने की जरूरत है कि आखिर घटना वास्तविकता में क्या हुई है और क्या जानलेवा हमला हुआ है या कहीं कोई गलती से किसी से। मैं थोड़ा सा रोक रही हूँ मानस, ये देखिए ट्वीट सामने आया असदुद्दीन अवैसी का, AMIMIF चीफ देखिए क्या कह रहे हैं। कुछ देर पहले सिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, चार राउंड फायर हुए, 3 से 4 लोग थे, सबके सब भाग गए और हथियार वही छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंचर हो गई लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। ये कहा है असदुद्दीन अवैसी ने खुद, उन्होंने जो पहली जानकारी साझा की है हम आपको बता रहे हैं ट्वीट के माध्यम से। हम सब महफूज हैं, उन्होंने कहा सुरक्षित हैं, हम सब महफूज हैं। असदुद्दीन अवैसी ने खुद अपने बारे में ये जानकारी सबसे पहले दी है। कुछ देर पहले सिझारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, वो बता रहे हैं कि 4 राउंड फायरिंग की गई उनके काफिले पर, 4 राउंड फायर हुए, 3 से 4 लोग थे, सबके सब भाग गए, हथियार वहीं पर छोड़ गए, यानी सबूत अपने पीछे छोड़ गए हैं।